हाय एवरीवन, जोहार। मैं कमल कुमार पंडित आप लोग को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड में। आज ऐसी जगह पर मैं हूँ, झारखंड की एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ एक ऐसे मतलब शख्सियत से आपसे मैं मिलाना चाहता हूँ, रूबरू कराना चाहता हूँ। और वो शख्सियत आज आपके सामने दिख रहा है कि ऐसे एक बुजुर्ग आदमी नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं। ये हमारे लिए नहीं, ये हमारे पूरे इंडिया लेवल के लिए बहुत ही मतलब ऐसा खुशनसीब हम लोग समझते हैं कि एक रिटायर्ड पर्सन भी ये बिजनेस को कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि ये रिटायर्ड पर्सन है, मैं उन्हीं से सुनूंगा कि इस बिजनेस को कैसे वो शुरू किए हैं, क्या समझ के शुरू किए हैं, है ना। तो मैं सर से अपना आपका परिचय लेना चाहता हूँ। सर, मेरा नाम अल्फ्रेड सुरीन है जी। मैं धनबाद बिजी सेल में नौकरी करता था। रिटायर करने के बाद हम यहाँ कैराबनी मिशन जमतड़ा जिला में अभी रह रहा हूँ। सर, धनबाद यानी हमारा जो धनबाद है डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से सर रिटायर मतलब वहीं जॉब करते थे, या जॉब करने के बाद रिटायर होने के बाद आज कैराबनी जमतड़ा डिस्ट्रिक्ट में सर रहते हैं। और सर, ये जो आप बिजनेस कर रहे हैं, कितने दिनों से कर रहे हैं, क्या बिजनेस है ये? हम 25 मार्च 2021 से शुरू किए थे। तो हम इससे पहले रिटायर होने के बाद मेरा कुछ शरीर में तकलीफ हो गया था जी। मेरा पेट बहुत दर्द होता था, तो इसी बीच में कुछ मेरे अपलाइन वाला लोग आए मेरे पास और इस एक दवाई दिए, इसका नाम है लिबिगन। तो उसको हमने यूज किया और उसको यूज करने के बाद आस्ते आस्ते करके मेरा जो दर्द जो है कम हो गया। मतलब आप प्रोडक्ट का जरिया से आप इस बिजनेस को चॉइस किए हैं। बिजनेस तो सर और भी था, लेकिन आप इसी को क्यों चॉइस किए जी? हम एक बात बताना चाहते हैं, 2019 में मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया था, मेरा ऑपरेशन भी गोलब्लैडर का हो गया था। इसके बाद मेरा पेट का प्रॉब्लम नहीं किया, बहुत दर्द था, हम उठ नहीं सकते थे, रात रात में बहुत जोर दर्द होने लगता था। तो इसमें एक ऐसा जो लिबिगन जो हमको दिया गया, उससे जो मेरा तकलीफ जो हट गया, क्योंकि इसका रिपोर्ट से डॉक्टर बोले थे कि रिपोर्ट जो अल्ट्रासाउंड हुआ उसमें मेरा कुछ लीवर का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल जाना होगा हमको। तो हम बहुत मुश्किल में थे, और उतना अभी रिटायर होने के बाद तो उतना पैसा भी नहीं है अपने मेरे पास, अब फिर हम मुश्किल में पड़ गए। तो इसी बीच में इस प्रोडक्ट को हमने जब मिला और हम जो है यूज किया, और इसका यूज करने के बाद जो मेरा जो तकलीफ था वो एकदम ख़त्म ही हो गया है। लगभग आप कितने सालों से इस बिजनेस को कर रहे हैं? अभी 1.5 साल हो गया है मेरा। 1.5 साल सर का बिजनेस हो गया है। रिटायर होने के बाद सर के पास मतलब समय था, तो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ही क्यों चॉइस किया आप जी? इस रिटायर्ड पर्सन को आप क्या दूसरा कुछ मिलेगा, लेकिन इस नेटवर्क में ऐसा बिजनेस है जो लोग उम्र नहीं देखते हैं, हर कोई इसमें ज्वाइन कर सकता है। जैसे अभी हम 60 से ऊपर हो गए हैं, अब मेरा अभी इस समय में कौन मेरा नौकरी देंगे, क्या देंगे, लेकिन इस नेटवर्क में ऐसा है कि हर कोई ज्वाइन कर सकता है। हम अभी जो समय हमारा खाली समय था, उस समय को हम अभी जो बिता रहे थे, अभी हम बिजी हो गए। मेरे साथ करीब करीब लोग 10-20 लोग मेरे पास जुड़े हुए हैं, और उसके साथ हम रोज़ भेंट करते हैं, रोज़ फ़ोन से बात करते हैं, और इसी तरह से मेरा टाइम पास होता है। नहीं तो मेरा टाइम पास होने के लिए रिटायर्ड आदमी को बहुत मुश्किल होता है। आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि लोगों का कहना होता है कि ये एक ऐसे बिजनेस है जो मतलब ऐसे लोगों के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे लोगों के लिए बिजनेस नहीं है, ये एकदम 25-30 साल के लिए यंग बैच के लड़के के लिए बिजनेस है। आप प्रूफ के साथ देख सकते हैं कैसे लोग आज बिजनेस को नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग आज इतिहास रचने जा रहा है, यानी आगे की ओर बढ़ रहा है ना। तो सर के साथ
14-15 का टीम भी है, आप देख भी सकते हैं, पूरा टीम सर के साथ है, और साथ ही साथ सर के साथ शायद मैडम भी है, तो मैडम से मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। मैडम आप थोड़ा आगे आ जाइए, आपका नाम? और मेरा नाम हेमंतिका हेमरम और मैं यहाँ का रवनी मिशन में ही रहती हूँ। मैडम सर का वाइफ हैं और साथ ही के आप लोग बिजनेस करते हैं? हाँ दोनों, मतलब पहले तो सर शुरू किए, ज्वाइन किए, इसके बाद हम बाद में सर देखे सर मतलब ज्वाइन काम कर रहे हैं, तो हमको भी मतलब हम प्रोडक्ट यूज करने के बाद ही जब हमको इसका फायदा हुआ, बहुत ही मतलब दांत का हमको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम था उस समय, कोरोना पीरियड था तो उसके चलते ही, और उस टाइम में डॉक्टर के पास जाना बहुत ही डर लगता था, तो हमको उसी समय प्रोडक्ट मिला और उसी प्रोडक्ट यूज किए, पेस्ट है प्रोडक्ट, तो उसको यूज करने के बाद हमको बहुत मतलब आस्ते आस्ते वो एकदम ख़त्म हो गया, अभी भी यूज कर रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं, और उसी के चलते ही हम इस प्रोडक्ट को मतलब इस क्या बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, नेटवर्क मार्केटिंग में आप आए। हाँ इसमें जाओ, मतलब प्रोडक्ट का क्वालिटी से मैडम नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किए हैं। और साथ ही साथ मैं और एक चीज़ सर से पूछना चाहता हूँ कि सर आप जब जॉब करते थे उस टाइम का आपके व्हीकल आपके पास क्या था, मतलब आपके पास कौन सा गाड़ी था व क्या था, और आज के डेट में नेटवर्क मार्केटिंग से आपने क्या गाड़ी लिया ने क्या किया, क्या अचीवमेंट रहा, मैं सर से ही पूछना चाहता हूँ। जी जब नौकरी करते थे तो उस समय पैसा का बहुत कमी रहता था और चार चक्का तो मुश्किल से ही सोचने से बाहर था, हम एक मोटरसाइकिल लिए थे उस समय, और इसके बाद जब हम रिटायर हो गए और इसमें आए, अब जब मेरा सप्ताह का पेमेंट मिलने लगा तब हम एक गाड़ी भी निकाल लिए हैं। इसलिए हम तो चाहेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग हर कोई को करना चाहिए, जो रिटायर्ड आदमी है उसके लिए तो और अच्छा है, टाइम पास होता है, क्योंकि रिटायर्ड आदमी के लिए टाइम पास करना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। सर का मैसेज पूरा ऑल ओवर इंडिया में जाना चाहिए, पूरा हिंदुस्तान में तहलका मचाना चाहिए कि एक रिटायर पर्सन लोग आज भरा पड़ा हुआ है लेकिन उनको कुछ काम नहीं मिलता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ने सर ने सजेशन दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग ही करना चाहिए क्योंकि इसमें माइंड सर फ्री रहता है। क्या फ्री रहता है, और सब बीमारी जो साथ में जो प्रोडक्ट है उसको तो यूज करेंगे तो सब स्वस्थ भी रहेंगे। हम सबसे यही बोलेंगे कि आप इसका यूज भी कीजिए और अपना टाइम भी पास कीजिए। जी बहुत बहुत अच्छा सर ने मैसेज दिया, और सबसे बड़ी बात है जब सर्विस करते थे सर के पास एक बाइक हुआ करता था, आज देख सकते हैं कैमरा से कि सर के पास एक फोर व्हीलर है, यानी कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज जाएगा और अच्छा मैसेज के कारण आज सर के पास ये व्हीकल है, हो सकता है आगे चल के और बड़ा कुछ हो जाए। अभी तो ज़्यादा दिन सर का इस नेटवर्क मार्केटिंग में कदम तो ये रखे हैं, अभी बच्चा बन के ही सर शायद कर रहे हैं क्या? जी हाँ, अभी तो हम बच्चा ही हैं इसमें, लेकिन उम्र में ज़्यादा हो गया है, लेकिन इस काम में हम अभी बच्चा ही हैं। बहुत अच्छा मैसेज सर, अभी बच्चा है, एक बार बच्चा थे फिर काम किए, आज नेटवर्क मार्केटिंग में फिर बच्चा बने, मतलब कितना अच्छा लग रहा है कि एक फैमिली के साथ हम लोग बिजनेस को कर रहे हैं, और यही होना चाहिए, हर एक बंदे को ये सोचना चाहिए और ये वीडियो देख के समझना चाहिए कि एक नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसा जरिया है जहाँ से गरीब से अमीर बन सकता है, नालायक से लायक बन सकता है, और यहाँ पर कोई एजिट नहीं देखा जाता है कि आप कितना एज के हैं, यहाँ पर हर एक आदमी को एंट्री किया जाता है, खाली उसका एक ही मतलब सिस्टम होना चाहिए, 18 साल से ऊपर होना चाहिए, बाकी एज नहीं दिखा जाता है। तो मैं सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सर से कांटेक्ट करके आप यदि कोई रिटायर पर्सन है तो सर से बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और सर के साथ मिलके काम कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, आने वाला सेशन मैं फिर से लाऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।